कल झारखंड की राजधानी रांची में मतदान होना है। छठे चरण के तहत मतदान होना निश्चित हुआ है और मतदान को लेकर तमाम मतदान कर्मी जो हैं अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं। जहां जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली, वहीं तमाम प्रत्याशी अपने बूथ मैनेजमेंट में लग चुके हैं। हमारे साथ हैं आज रांची के भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ की पत्नी गीता सेठ, जो लगातार चुनावी जनसंपर्क अभियान अपना तेज रखी है। महिलाओं का विंग था, महिलाओं के साथ ये घर घर जा कर के अपने पति के पक्ष में वोट मांगा है। जानते हैं कि कितना, पहला तो बताइए कितना सफ़र आपने किया है, इतने कितने दिनों से आप लगी हैं? कितना सफ़र जितना हो सकता था, सुबह निकल जाते थे 7 बजे से और कोशिश करते थे कि 9-10 बजे तक जितना अपनी, मतलब आप तो हमारी जनता है वो, उससे जितना, क्योंकि जनता ये बोलती थी कि आप क्यों आ गए, हम तो आप ही को वोट देंगे, मोदी जी को ही वोट देंगे। लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं, हमको उनसे मिलना ज़रूरी है, फिर उनकी कोई भी ज़रूरत है तो पता तो करना। इस बहाने उनसे रूबरू मिलने का मौका भी मिला। एक बात बताइए, आप चूँकि पहले से भी वो सांसद रहे हैं जी, तो इस बार क्या चाहे महिलाएं, खासकर हम महिलाओं की बात करें तो क्या महिलाएं आपसे डिमांड की? महिलाएं तो अभी डिमांड करती ही नहीं है, बहुत खुश है कि वो हमारे मोदी जी राम लला, तो पहले मोदी जी से तो सब बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि अब राम लला को ले आए हैं तो पहला उससे वो लोग बहुत खुश है, और सांसद जी का कार्य देख के भी वो बहुत खुश है। बाकी तो छोटी मोटी उनकी समस्या होती है, जैसे गैस वैस भी किसी किसी का रह गया है, वही उनकी डिमांड रहती है, या कहीं का थोड़ा बहुत रोड वोड है तो वही उसकी डिमांड। चलिए, आप क्या आश्वासन देते हैं, आप बताइए। आश्वासन तो जैसा सांसद जी का कार्य अभी तक देखते आए हैं, वो तो दिन रात उसमें लगे रहते हैं, और 5 साल अगर मौका मिल गया, पिछले बार तो 2 साल कोरोना में निकल गया, तो अब जब 5 साल मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा योजना लाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। तो मेरा तो आश्वासन है कि जनता का पूरा जो है उनको ध्यान, हर समय वो जनता की चिंता में रहते हैं, तो पूरा सब कुछ पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक बात बताइए गीता जी, एक तरफ राहुल गांधी ने नीता जी एक बात बताइए, राहुल गांधी ने 1-1 लाख रुपये महीना देने का, एक साल में 1-1 लाख महिलाओं को देने के लिए वादा कर दिया, तो क्या महिलाएं इसके बाद भी आपका बात मान रही हैं? बिल्कुल मान रही हैं। क्यों? उनको पता है कि अभी तक भी पिछले बार भी इतने साल से जब कांग्रेस थी वादा करती थी लेकिन पूरा नहीं करती थी, और मोदी जी पे उनको इतना विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो होता है। मतलब कांग्रेस पर भरोसा नहीं है महिलाओं को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है? नहीं। कल्पना सोरेन लगातार जो है वो अपना चुनावी जनसभा की है, लगातार वो हमला बोली है बीजेपी पर कि बीजेपी के लोगों ने उनके पति को जेल भेज दिया, या जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उन पर ये ईडी लगा देते हैं तरह तरह के। ऐसे में आप महिलाएं के पास जा रहे, तो महिलाएं मतलब कितना आपके बात पर? तो कभी कोई नहीं बोला कि उनको क्यों भेज दिया, क्या करा, क्योंकि सब जनता जानती है, जनता आजकल की बहुत जागरूक और समझदार है, उनको मालूम है कि इतने नोट निकल रहे हैं और कई भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसीलिए जेल गए हैं। ऐसे नहीं कोई किसी को जबरदस्ती कोई जेल नहीं भेज देता। नीता जी, आप कितना लगता है कि कितना वोटों का अंतर से इस बार आप मतलब चुनाव जीत रहे हैं? 5 लाख पार होगा दावा है जी। तो आप कैसे महिलाओं को क्या बोलना चाहेंगी, कल मतदान होना है? महिलाओं को तो मैं यही बोलती आ भी रही हूँ कि वो लोग बोलते तो है वोट देने जाएंगे ही, तो हम बोले खुद आप है तब कार्यकर्ता बन जाइए, खुद तो जाइए और अपने साथ पूरा मोहल्ला टोली सब लेके अपने जाइए, जिससे उत्सव की तरह, हम लोग को तो उत्सव मनाना है, हम लोग को कोई परीक्षा नहीं है कि कितना है, तो इसलिए उत्सव की तरह जाइए, हंसी खुशी जाके अधिक से अधिक संख्या में जाके वोट दीजिए। महिला मतलब वोट देने की मतलब पहले वोट देने वोट पर्व मनाइए एक तरह से। हाँ, मैंने तो कह दिया महापर्व है तो पर्व की तरह मनाइए इसको। ये है नीता जी, जो रांची के भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ जी हैं, उनकी पत्नी है नीता जी, और ये लगातार चुनावी जनसंपर्क अभियान चला रखी है रांची क्षेत्र में, इनका मतलब रांची लोकसभा क्षेत्र में। इनका कहना है कि महिलाएं पास जब जा रही हैं तो महिलाओं ने यह भी कहा कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हम लोग मोदी को वोट दे रहे हैं। इनका कहना यह भी है कि मोदी जी का इतना स्कीम चला है, बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है, कुछ कुछ अगर छोटा मोटा रह भी गया है तो अगले बार, यानी संजय सेठ जी जब दोबारा ये शपथ लेंगे, सांसद बनेंगे, तो पूरा होगा। फिलहाल लेकिन इनके अंदर एक हौसला देखिए कि कहती हैं कि 5 लाख वोट से जीतेंगे, और जिस तरह से लोगों का झुकाव है निश्चित रूप से ये 5 लाख वोट से जीतेंगे। इन्होंने महिलाओं से आग्रह किया है कि पहले सुबह सुबह निकले और अब एक कार्यकर्ता बनकर निकले, न कि एक वोटर बनकर निकले।
आप तो जाएं ही वोट देने, लेकिन लोगों को भी, मोहल्ले टोले के लोगों को भी लेकर के जाएं, ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़ सके और वोट वोट जो है भाजपा के पक्ष में आ सके। और इनका ये जीत का दावा कितना सच हो पाता है ये तो आने वाला वक्त तय करेगी, जनता तय करेगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और ये पब्लिक है, सब जानती है, आपने गाना सुना होगा। लेकिन फिलहाल 4 जून का सबको इंतजार रहेगा, लेकिन कल मतदान है, मतदान देने तो जरूर जाएं, चूँकि वो महापर्व है और 5 वर्ष में एक बार आता है। ऐसे में अब ये दावा कितना सही होगा वो तो सही समय बतलाएगा, लेकिन फिलहाल हौसला बुलंद है नीता जी का और इनको यह उम्मीद है कि इस बार जो मतदान का प्रतिशत होगा वो उसमें इजाफा होगा। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, रांची।